डिस्क्लेमर, मैं तुम्हारी कक्षा 10 का साइंस का टीचर नहीं हूँ, तो मेरी बातों पे ऑफेंड मत होना। और वैसे भी ये सब कहना उतना ही मैटर करता है जितना मेरा इस यूट्यूब सीन में होना। जीरो भाई, ओए। हाँ भाई। अबे न्यूज़ दे दे जाके। तो वो काम तो ऋषु का है ना, मैं क्यों दूँ जाके? ऋषु की वीडियो 3 महीने में एक बार आती है, जैसे मेरी बीवी मूड में। हाँ तो उसका पता नहीं कब डाले, तू बना दे। भाई देख मैं बना तो दूँ, पर सब ऋषु की कॉपी बोलेंगे। ऋषु की कॉपी? वो तो कभी स्कूल ही नहीं गया ना। भाई छोड़, तू रहने दे, मैं आ रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। बढ़िया, कर ली गिर के कॉमेडी? गिरा थोड़ी हूँ, एक्टिंग है, स्क्रिप्ट में लिखा ही देखो। तो नमस्कार भाइयों, और मुझसे 2 गज की दूरी बनाने वाली लड़कियों, मैं आपका चहिता और दिल में रहने वाला बबलू पिलपिला आ चुका हूँ इंडिया की चाय पत्ती ताजा से भी ज्यादा ताजा खबर लेकर। तो चलिए पहली खबर। भाई भाई कहाँ जा रहा है? भाई धक्का मार रहे हो आप। भाई भाई मेरी बीवी सिम कार्ड वाले के साथ भग गई, आज तक पे न्यूज डाल दे। हाँ ठीक है भाई, डाल दूंगा, पहले बाकी खबर दे दूं? नहीं नहीं अभी डाल। हाँ ठीक है डाल दो, बाकी पहले बाकी। नहीं भाई अभी डाल, अभी डाल, रुक जाना, डालना हूँ ना अभी। हाँ तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। तुझे क्या लगता है मैं तेरी इस बंदूक की धमकी से डर जाऊंगा? तो पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहाँ एक सिम कार्ड वाला की बीवी लेके भाग गया। क्या? अच्छा अच्छा, तो अभी हमारे पास उस सिम कार्ड वाले की फोटो बरामद हुई है, प्लीज स्क्रीन पर दिखाई जाए। क्या हुआ, भागा क्यों ये? क्या दिखाना जरा साले। हाँ भाई किसकी बोल के अपने पेट ना लेते हुए अपना इंटरव्यू दे देता हूँ वरना जाएंगे लोग मेरी। हेलो एंड वेलकम टू द मोस्ट क्रिंजी चैनल ऑन यूट्यूब। और अगर तुमने अभी तक कमेंट में ऋषु की कॉपी लिख दिया हो तो शुरू कर ले। मुंदरी पड़ी फिरे। जो आज हम करने जा रहे हैं उसे नियॉन मैन रोजी रोटी, और मैं वो वीडियो कहता हूँ जिसमें मैं टाइटल थंबनेल लगाऊंगा एक टॉपिक के बारे में और पूरी वीडियो में दूसरे टॉपिक पे बात होगी। और इसका नाम है दैनिक सुसु। नहीं ये किसी की कॉपी नहीं है, इसकी तो बिल्कुल भी नहीं है। कौन है मैं नहीं जानता, कौन क्या डैंग का क्या ऋषु, नाम के आगे डैंग लगाने से डैंग लग जाते हैं क्या? वैसे तो नाम के आगे सुपर लगाने से कुछ नहीं होता, बट तो लगा दो दैनिक सुसु का इंट्रो। पंखा बंद करके गर्मी में सड़ते हुए ताकि वॉश क्वालिटी खराब ना हो, पापा का कोट पहन के और इन बातों की सिंपति लेके पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर आ रही है इलोन कब भरेगा तू, मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है वो भी पूरे 75 रुपए में। जी हाँ, और इसके बाद सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ब्लूटिक के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे लोग ब्लूटिक के पीछे पड़ते हैं। जोक मारा हंस दे भाई। और ये सब होने के बाद इलोन का भरेगा तू मस्क भैया ने एक नई पॉलिसी लॉन्च करी है जिसमें जिस पर ब्लूटिक है उसे कुछ $8 देने पड़ेंगे महीने के लिए। जब से ये हुआ है इंडियन यूट्यूबर्स ऐसे नाराज हुए हैं जैसे जनता नगर निगम से। अब ट्विटर ब्लूटिक के लिए देने होंगे पैसे। ब्लूटिक के लिए यूजर को देने होंगे $8 प्रति महीने। देशों के हिसाब से कीमत हो सकती है अलग अलग। और ये सब होने के बाद हमारे वेरी टैलेंटेड एंड वेरी डिजर्विंग मैक्सन भैया का ये ट्वीट आया, बिलीव मी और नॉट, नहीं कर राजा, ट्विटर इज द मोस्ट नेगेटिव सोशल मीडिया। और जब से उन्होंने ये ट्वीट किया है वो अपने घर पर नहीं मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। खबरों की माने तो कृष्णा वंटाई और एमी पे डॉलर साइन में दोबारा से बीफ चालू हो गया है, दोबारा से डिस चालू हो गया है। और जब से नियॉन मैन काफी खुश है क्योंकि उनका करियर दोबारा से उठने वाला है। और कोई इस माहौल को टॉक्सिक नहीं बोलेगा क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी तो रैपर्स भी नहीं करते हैं जितने टीचर्स कर रहे हैं। भाई सब लड़ने में लगे पड़े हैं, अलग पांडे मिलके दत्तरवाल, पूछा किसी ने नहीं, अलग पांडे अमन दत्तरवाल, इनकी अलग लड़ाई चल रही है। और सबसे बोरिंग, इतनी बोरिंग लड़ाइयां बिग बॉस में होती तो आज बिग बॉस ना होता। बिग बॉस से आया है हमारे बस्ती के हस्ती MC स्टैन बिग बॉस में आए हैं और उसी के चलते रकुल प्रीत, जी हाँ रकुल प्रीत ने MC स्टैन की तारीफ करी है। I feel you, I appreciate you. I love yeah, this whole like look. Just look at that. Yeah. अरे मैं बता रहा हूँ स्टैन, रकुल मेरी है, रकुल से कोई फ्लर्टिंग नहीं की है, रकुल क्रश बचपन की, रकुल मेरी है या हो जाएगी, होगा तो बस्ती का हस्ती, मैं आगरा की कश्ती हूँ।
भाई अभी भी ये बिल्ली बंटाई वाला लुक है, मुझे नहीं पता, मुझे अगली बार गाने में डायबॉलिकल सुनना है बस। और वैसे भी मेरी वीडियोस में जोक्स का पता लगाना उतना ही मुश्किल है जितना एमवी को क्या मालूम है ये पता लगाना। मालूम ही नहीं मुंडा मालूम है। अगली खबर कोई कवर नहीं है, बस एक फैक्ट्स रिपोर्ट है जिसके अनुसार इंडिया की टॉप 10 विजिटेड साइट्स हैं गूगल, मुंबई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सैमसंग, आज तक, अमेजोन, क्रेगबज, एग। हाँ बैड मुंडा सब मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है। अगली खबर, ये खबर इस वीडियो के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको टाइटल थंबनेल में रख के व्यूज भी तो लेने हैं। जी हाँ गाइस, स्ट्रेटेजी है मेरी। तो अभी अभी कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि तैमूर की आशिकी और साइमन सेज की बहन नोरा फतेही को ब्रैड पिट ने डीएम करा है। अब तुम सोच रहे हो इसमें कौन सी बड़ी बात है, नोरा फतेही तो सेलिब्रिटी है, ब्रैड पिट भी सेलिब्रिटी है। तो पहली चीज, ब्रैड पिट कोई तुम्हारे गली के नुक्कड़ पे बैठने वाला चाय वाला नहीं है। और दूसरी चीज, नोरा फतेही सेलिब्रिटी नहीं, शिट, अब साइमन से फॉलो बैक कैसे लूंगा। और तीसरी चीज, ब्रैड पिट सोशल मीडिया पर नहीं है। देखो तुम लोग गवारो, मैं नहीं, मैं ब्रैड पिट को पर्सनली जानता हूँ और आज मैंने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ये इंटरव्यू काफी ज्यादा छोटा होने वाला है क्योंकि घर को बेच के जितने पैसे निकले उतने दे दिए हैं। इतने टाइम के लिए कोई ऐसा मुंह नहीं चलाएगा। चलिए मैं अपने संवाददाता से कनेक्ट करता हूँ। बोला था मुझे इंग्लिश मीडियम में मत डालो। हेलो सर, कैसे हो आप? मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देयर वॉज अ न्यूज दैट यू मैसेज नोरा फतेही, इज दैट ट्रू और डू यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट? आखिरी खबर आ रही है सौरभ जोशी की तरफ से। ये खबर है कि सौरभ जोशी के घर पे हुई है चोरी और बताया जा रहा है कि चोर थे उनके सब्सक्राइबर। वो गांव गए थे और उन्होंने व्लॉग डाला था कि मैं गांव में हूँ और आइस ऑडियंस और भाई। तो यही थी आज की खबरें। बाकी चैनल मेंबर्स में तुम्हारा बहुत 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 ज्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। और अगर तुम लोगों को भी ऐसा कुछ फायदा उठाना है तो कर लो। आई थिंक दैट साउंड वेरी सो रॉन्ग। तो शुरू करते हैं पहली खबर की तरफ। धक्का मारने में लेट हो रहा है, बताओ क्यों? हार्टी हाँ। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। तुझे क्या तूने कहा भाई?